नाजरीन मोहतरम, बुर्ज खलीफा जो कि दुनिया की सबसे बड़ी और ऊंची तरीन इमारत है, हर 14 अगस्त की रात 12 बजे पाकिस्तान का झंडा इसके ऊपर लहराया जाता है और 15 अगस्त की रात 12 बजे भारत का झंडा भी इसके ऊपर लहराया जाता है। मगर इसके ऊपर झंडा कैसे बनाया जाता है और इस साल 2023 के अंदर इसके ऊपर इंडिया का झंडा लहराते हुए पाकिस्तान का परचम क्यों नहीं लहराया गया, ये तमाम तर सवालात आपके दिमाग के अंदर ज़रूर होंगे। क्या दुबई की गवर्नमेंट पाकिस्तान से नफरत करना शुरू हो चुकी है जिसकी वजह से पाकिस्तान का झंडा नहीं लहराया गया? तो इन तमाम तर सवालात का जवाब आपको इसी वीडियो के अंदर मिल जाएगा। लिहाजा आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, आप हमारे इस कीमती वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक लाजमी से देखना। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले तो ये बात करते हैं कि बुर्ज खलीफा के ऊपर इतनी जल्दी और इतना बड़ा झंडा बनाया कैसे जाता है। दरअसल मैं आपको बताता चलूं, जो बुर्ज खलीफा की साइडों के ऊपर शीशे लगाए गए हैं ये तमाम तर LCD के ऊपर ऑपरेट किए जाते हैं। दरअसल इनके साथ वायर्स लगी होती हैं जो कि अंदर रहने वाले लोगों को नज़र नहीं आती और किसी को सामने से ये भी पता नहीं चलता कि ये आम शीशा है या फिर LCD है, जो कि एक कंप्यूटर के ज़रिए बुर्ज खलीफा जितने साइज़ का एक परचम बनाया जाता है और इसे एक कंप्यूटर के ज़रिए तमाम तर दुबई के लोगों को दिखाया जाता है। अब ये भी सवाल आपका ज़रूर होगा कि ये झंडा लहराया क्यों जाता है। दरअसल आप जानते हैं कि दुबई पाकिस्तान और भारत का पड़ोसी मुल्क है और दुबई के पास एक ऐसी इमारत है जो दुनिया की सबसे लंबी और ऊंची तरीन इमारत है, जिसके अंदर अगर कोई भी किसी भी चीज़ का एड्स लगाया जाए तो उसका एक अच्छी तरीके से इस्तकबाल होता है, जिसके लिए पाकिस्तान को जो 14 अगस्त की रात 12 बजे दुबई हर साल मुबारकबाद देता है। मगर इस बार साल 2023 के अंदर जब इन्होंने भारत को इस्तकबाल किया तो इन्होंने पाकिस्तान को नहीं किया, जिसके मुतालिक कई दुबई के बड़े बड़े शहजादों का बयान सामने आया है। उनका कहना है कि जो पाकिस्तान की अहमियत साल 2022 और 21 में थी तो ये हैसियत साल 2023 के अंदर नहीं है, जिसकी वजह से पाकिस्तान आधा तो बिक चुका है और इसके तमाम तर वजीर आजम और इनके अंदर काम करने वाले बड़े से बड़े नगरान तो चोर हैं, तो हम इन्हें किस तरह से इस्तकबाल कर सकते हैं, जिसके लिए दुबई ने पाकिस्तान को झंडा दिखाते हुए मुबारकबाद नहीं दी। उनका कहना है कि ये हमारी खुद की मर्जी है कि हम किसी का भी परचम सामने रखें या ना रखें, ये हमारी खुद की मर्जी है। ज़रा ये ना सोचिए कि हमें पाकिस्तान से नफरत हो चुकी है, मगर ऐसा कुछ भी नहीं है। मगर पाकिस्तान की हैसियत को देखते हुए हमने इस परचम को बुर्ज खलीफा के ऊपर नहीं लहराया। तो प्यारे दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा मालूमती लगी होगी। अगर वीडियो मालूमती लगी तो वीडियो को लाजमी से लाइक कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट एंड अमेजिंग वीडियो में, तब तक लिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह नेगेबान।